कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पर मंगल सूत्र का भी मसला है। मंगल सूत्र जानते हैं आप लोग, लच्छा या लज्जा बोलते, वो हैदराबाद उधर के इलाके में, लेकिन कोकण वगैरह के साइड में महाराष्ट्र में मंगल सूत्र बोलते, के बीवी के गले में जो है ना वो धागा, वो काली मोती के साथ डाल दिए कि जब तक ये गले में रहेगा वो गले पड़ी रहेगी, और जैसे गले से निकल जाएगा तो वो भी गले से छूट जाएगा या छूट जाएगी। क्या कंसेप्ट है भाई, ऐसा ही चलेगा क्या? क्या अकीदा है मुसलमानों का, क्या कर रहे हैं हम और आप, और कहां कहां क्या हो रहा है? दलील गलत है ये। मुसरद अहमद जिल नंबर एक, हदीस नंबर 3615 सफा नंबर, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर आए। देखिए मैंने किया ना, जैसे आए आवाज किए, घर के अंदर गए, इसे ये पता चला जब हम और आप घर जाएं तो दरवाजे पर जरा आवाज कर ले कि भाई मर्द लोग घर के अंदर आ रहे हैं। ये सहाबा का सलफ सालेहिन का तरीका है। अंदर गए, बीवी के पास बैठे। आजकल कुछ भाई ऐसे हैं जिनके पास बीवी के लिए वक्त है ही नहीं। सबके लिए वक्त है लेकिन बीवी के लिए वक्त है ही नहीं। नो वक्त, नो टाइम, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। बीवी के पास बैठे, बैठे सही है, बैठ गए। बैठने के बाद क्या हुआ? बैठने के बाद ये देखा कि बीवी के गले में कुछ धागा लटक रहा है। गौर से सुनिएगा, धागा, धागा लटक रहा है। यहां तो लटकाया जा रहा है, वहां लटक रहा है, लटक रहा है। पूछा, ये धागा क्या है? तो बीवी ने कहा, खैतुन उर्किया लीफी, ये धागा है जिसमें फूंक मारा गया है। अच्छा, ये धागा है जिसमें फूंक मारा गया है। गौर से सुनिएगा, आज धागा लेने के लिए कहां कहां जा रहे हैं? वो काला धागा, वो लाल धागा, ऊपर भी धागा, नीचे भी धागा, हाथ में भी धागा, पैर में भी धागा, हर जगह धागा ही धागा, बच्चे लोगों के कमर में धागा, ये धागा धागा धागा, ये धागा क्या करेगा भाई? अल्लाह का इतना बड़ा सहारा छोड़कर हम धागे पर चले आए? فأخذه فقطعه, उसको लिया और काट दिया और कहा यह शैतानी कामों में से है, और कहा इन्ना अला अब्दुल्लाह अला अग्निया उन शिर्क, अब्दुल्ला का खानदान शिर्क से बेनियाज है। मेरे भाई, हमें और आपको गौर करना है कि जो भी रस्म और रिवाज अपने समाज में है, इस्लाम ने उसके लिए इजाजत दी है? इस्लाम ने इजाजत दी है? नहीं दी है। इसलिए शादी को सादगी के साथ करना है। सादगी के साथ कीजिएगा तो फायदा है।